हमें पृथ्वी के आंतरिक चट्टानों को भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में इससे हमेशा ही सवाल आता है कि डाइक क्या होता है, या बैथोलिथ क्या है, सिल्क क्या है, या फिर लैकोलिथ क्या है, स्टेनलेस स्फीयर क्या है, या पूछता है कि जो इंटरनल इग्नियस रॉक है यानी कि अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, उसका क्या स्वरूप है, कैसे बनते हैं। तो इस कैरेक्टर के बारे में जब आप जानेंगे तो आसानी से ऑप्शन अगर मिलेगा तो आप उसे छांट सकते हैं। अगर आप नहीं जानेंगे सर तो ऑप्शन से नहीं छांटा जाएगा, बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि जैसा कि आप कल क्लास लिए थे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये बाहरी भाग जो है आपका सियाल है जिसमें सिलिकॉन एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक का ये शाइमा भाग है, और फिर आपका यहाँ से यानी इस केंद्र से लेकर और यहाँ तक का नीचे एरिया है यानी निकेल और फेरस की प्रधानता। अब देखेंगे आप कि जो ज्वालामुखी बृहद स्तर पर निकलते हैं वो तो कैसे छोटे छोटे निकल जाते हैं। ज्वालामुखी भी देखे होंगे आपको, मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल वोल्केनो और दूसरा एक्सटर्नल वोल्केनो। तो जो अंदर ही गर्म होकर या दबाव कम पड़ने के कारण अंदर का भाग एकाएक मेल्ट कर जाए और फिर बाहर वो चट्टान को फोड़ कर नहीं निकले तो इंटरनल ही वो संरचना का निर्माण करेगा। जब तक कि वो सतह से बाहर नहीं निकलता है तब तक वो लावा और मैग्मा सब साथ रहते हैं। ध्यान रखिएगा कि मैग्मा किसे कहते हैं, मैग्मा एक अलग चीज है और लावा अलग चीज है। ये मैग्मा और ये होता है लावा। तो देखिए होता क्या है कि मैग्मा में सभी अवशिष्ट रहते हैं, जैसे आपका गेहूं ले लीजिए तो गेहूं में भूसा भी रहा और गेहूं भी रहा, सरसों भी रहा, मटर भी रहा, सब हटाई रहा, दौनी कर दिए तो वो हो गया मैग्मा। और जैसे ही आप गेहूं को हवा दे दिए उड़ गया और केवल गेहूं बच गया, भूसा अलग हो गया, सरसों अलग हो गया, तो वो हो गया लावा। तो जब तक इस ज्वालामुखी इस सतह को भेद कर पार नहीं निकलता है तब तक लावा नहीं बनता, क्योंकि जैसे इसको बाहर निकलेगा तो इसमें क्या आद्रता युक्त वायु बादल बन के उड़ गया, धूलकण वगैरह उड़ गया, तो जो बच गया आग बहने लगा वो क्या हो गया, लावा हो गया, जो शुद्ध रूप में बहने लगा वो लावा। अब मैग्मा में सब रहता, तो ये पृथ्वी के सतह के अंदर अगर रह गया तो क्या रहा, लावा की मैग्मा, मैग्मा रहा। पृथ्वी के सतह के अंदर अगर रहा तो मैग्मा में धूलकण भी है यानी कि राख वगैरह, मैग्मा में आपको आद्रता युक्त वायु भी है, मैग्मा में अन्य तत्व भी है, बहुत सारे चीज है, तो सब अंदर है। अब वह अगर ठोस रूप धारण करेगा तो देखे होंगे आप जैसे ठेकुआ को फुलाते हैं मोटा या गुलगुला को, और गुलगुला या पुआ को, और जब बाद में निकालते हैं तो देखिए पुआ के अंदर में छेद 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 दिखाई पड़ता है कि नहीं, पुआ समझते हैं ना, जो तेल में वो आटा लिक्विड करके बना के हम लोग खाते हैं, या फिर गुलगुला कभी खाए हैं, गोल गोल जरा बराबर, उसको देखिए ऐसे फोड़िएगा ना तो उसमें छेद 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 टाइप के दिखाई पड़ता। तो वैसे ही इधर इंटरनल जितने भी चट्टान बनेगा आपको उस सब में उसमें एयर बबल्स रहेगा, हवा रहेगा। अब बढ़िया से देखिएगा पानी पूरी अगर बन जाता है तो देखने में कितना बड़ा लगता है, इतना बड़ा, ऐसे गोलगप्पा खाते हैं, लेकिन उसको पानी में फेंक दीजिएगा तो डूबेगा, तैरेगा, क्योंकि हल्का होता है, उसमें हवा भरी होती है। तो इसमें भी जो इंटरनल इग्नियस रॉक बनता है पृथ्वी के अंदर, जो मैग्मा ठोस होकर चट्टान का उद्धार करता है, ध्यान रखिएगा पृथ्वी के अंदर लावा नहीं, क्या मैग्मा, यहाँ पे पूछता है। तो सतह के अंदर जितनी भी चट्टानें बनती है किससे बनती है, मैग्मा से बनती है। तो मैग्मा जब धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस रूप धारण करता है तो वह क्या होता है, उसका क्रिस्टल बड़ा होता है, बड़ा बड़ा क्रिस्टल होगा, क्योंकि धीरे धीरे ठंडा, अकस्मात होता तो उसमें क्रैकिंग ज्यादा होता तो क्रिस्टल महीन हो जाते, क्रिस्टल माने वो दाना, तो उसका क्रिस्टल जो है इसका बड़ा होता है क्योंकि ये टेम्परेचर घिरा हुआ है तो अंदर आराम से ठंडा हो तो क्रिस्टल बड़ा होगा। दूसरा ये हल्का होगा क्योंकि उसमें एयर बबल्स रहेगा, पानी पूरी डाल दीजिएगा, बैलून डाल दीजिए, इसे तैरता है वैसे ही हल्का होगा।
कई बार देखे होंगे कि हाथी को जिस पत्थर से मला जाता है वो इंटरनल इग्नियस रॉक ही होते हैं। अच्छा, ईंट भट्टा पर आपने झावा देखा है, झाव वो देखिए उसमें अंदर एयर बबल्स रहता है कि नहीं। कुछ झावा को आप पानी में भिटा दीजिएगा तो तैरता, क्योंकि वो फैल जाता है हवा के कारण, पूरा लाल हो जाएगा, बड़ा आकार हो जाएगा, और बड़ा आकार हो गया तो उसमें हवा में पानी जब तक नहीं घुसेगा वो डूबेगा नहीं। पानी घुस के हवा निकलेगा तभी डूबेगा, नहीं तभी डूबेगा। तो इधर से ये हल्का होता है। दूसरा, एयर बबल्स उसमें रहते हैं, जितना भी इंटरनल इग्नियस रॉक होगा क्या होगा, उसमें हवाएं होगी। यह देखने में कैसा नजर आता है, पूरा और आपको कमजोर होता है, ये बहुत मजबूत नहीं होता है। ठीक इसी ढंग से जीवाश्म का अभाव, ऐसे ध्यान रखिएगा, चाहे लावा से बने तो चाहे मैग्मा से बने, जब आपको इग्नियस रॉक बनेगा तो उसमें किसी भी जीव जंतु का अवशिष्ट नहीं, हड्डी है गल गया, जो भी अवशिष्ट जीव जंतु का है नजर नहीं आएगा, वो सब गल कर से आग जला देता है और इस तरीके से उसमें जीवाश्म नहीं रहता। अब अगर अंदर आप देख रहे हैं तो मैंने चार संरचना आपको बनाया है, बनता तो बहुत है, लेकिन जिस स्थान से ये चला, यहाँ से मान लीजिए ये चला और यहीं पर ये वही रह गया, तो इसको क्या कहते हैं, बैथोलिथ इग्नियस रॉक, बैथोलिथ इंटरनल इग्नियस रॉक, इतना लंबा नाम देंगे, यानी बैथोलिथ अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, जहाँ चला वहीं के वहीं बैथोलिथ रॉक गया। देखिए यहाँ से चला वहीं बैथोलिथ, तो ज्यादा अंग्रेजी अगर आप नहीं जानते तो बैथोले रह गया, बैथोलिथ बैथोलिथ इसे याद हो जाएगा। आगे देखेंगे ये सिर्फ दो चट्टानों के बीच, मान लीजिए इसके ऊपर चट्टान है नीचे चट्टान, और इसमें ये घुसिया गया, और घुसिया के ठंडा हो गया तो दोनों को सील कर दिया, तो सील इंटरनल इग्नियस रॉक। आगे देखेंगे आप कि यहां से चला डंडा की तरह खड़ा हो गया, ऐसे धरती से निकला डंडा की तरह खड़ा होके हेते और उसी में ठोस रूप को ही धारण कर लिया, तो डंडा यानी डाइक, समझने के लिए मैं कह रहा कि डाइक इंटरनल इग्नियस रॉक, तो बैठले रह जाए तो, और दो चट्टान के दरार में जाके घुस के सील कर दे तो, अगर डंडा जैसा खड़ा हो तो डाइक। अब रहा कि जो निकलने की कोशिश कर रहा पृथ्वी के सतह के पदम चट्टान के यहाँ भूपट्टी के पास आकर यही फैल गया, इसका ज्यादा पावर नहीं था कि छेद के बाहर निकले, अगर इसको छेद देता तो क्या हो जाता, ज्वालामुखी, तो बहिर्भेदी हो जाता, लेकिन बाहर नहीं होकर अंदरे रह गया, तो इसको हल्का था तब न यहाँ तक पहुंच गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइट, लाइट माने हल्का, लैकोलिथ, ये बैठले रह गया तो बैथोलिथ, दो चट्टानों में घुस के क्या कर दिया, सील कर दिया, तो सील डंटा जैसा खड़ा हो गया था डाइल, लैकोलिथ लाइट यानी लाइट माने हल्का भी होता है, लाइट भोजन करना, हल्का भोजन करना, तो लैकोलिथ यानी कि ये समझने के लिए अंग्रेजी, यानी एकदम भूपट्टी के करीब आकर जब ठोस रूप धारण कर लेता है तो इसको क्या कहेंगे, लैकोलिथ इग्नियस इंटरनल इग्नियस रॉक कहेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चट्टाने नीचे अंदर बनती है, लेकिन मूलतः चार नाम इनको दिया जाता। अब इससे जो बाहर निकल जाएगा उसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल इग्नियस रॉक, एक्सटर्नल इग्नियस रॉक, उसे अब देखेंगे हम, पहले इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।